इनकम टैक्स के एक दूसरे टॉपिक इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था रिटायरमेंट बेनिफिट, और रिटायरमेंट बेनिफिट में हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ लिया था ग्रेजुटी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका सेकंड पॉइंट, वो है पेंशन। पेंशन पेंशन को किस तरीके से हम लोग इनकम टैक्स पर्पज़ में कंप्यूट करते हैं, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू और उसके रूल के थ्रू बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जब पेंशन को हम देखेंगे तो पेंशन को ये चेक करेंगे कि पेंशन कम्यूटेड पेंशन है कि अनकम्यूटेड पेंशन है, कम्यूटेड पेंशन है कि अनकम्यूटेड पेंशन है। अनकम्यूटेड पेंशन हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि जो पेंशन मंथली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा रहा होगा वो दे रहा होगा वो होगी अनकम्यूटेड पेंशन, और वो पेंशन जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक साथ दे दे रहा है लमसम अमाउंट के रूप में दे दे रहा है वो होगी उसकी कम्यूटेड पेंशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़कर हम कम्यूटेड और अनकम्यूटेड पेंशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब बारी आती है अनकम्यूटेड पेंशन की, तो अनकम्यूटेड पेंशन चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सभी के केस में टैक्सेबल होता है। लेकिन कम्यूटेड पेंशन की बात करें तो गवर्नमेंट के केस में जो जो कम्यूटेड पेंशन होती है वो टोटली एग्जम्प्ट होती है, जबकि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कम्यूटेड पेंशन के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि उस एम्प्लॉय ने ग्रेजुटी रिसीव करी है कि ग्रेजुटी रिसीव नहीं करी है। अगर उसने ग्रेजुटी रिसीव करी है तो उसकी पेंशन का टोटल पेंशन का 1/3 जो होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, और अगर उसने ग्रेजुटी नहीं रिसीव करी है तो टोटल पेंशन का 1/2 एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। ये रूल है पेंशन के। अब टोटल पेंशन एक वर्ड आ रहा है, तो टोटल पेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये थोड़ा सा एक टिपिकल पॉइंट हो जाता है। तो टोटल पेंशन के लिए मैंने एक फार्मूला लिख दिया है, कम्यूटेड पेंशन इनटू 1/ कम्यूटेड फ्रैक्शन। क्वेश्चन में कम्यूटेड पेंशन दी गई होती है, साथ साथ हमको कितनी पेंशन को कम्यूट किया गया है उसका एक फ्रैक्शन दे रखा होता है 1/4, 2/3 इस तरीके से। तो हम लोग कम्यूटेड पेंशन इंटू 1/ फ्रैक्शन के थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कई बार अगर परसेंटेज में ये फ्रैक्शन दे रखा होगा या फ्रैक्शन ना देकर परसेंटेज में दे रखा होगा कम्यूटेड अमाउंट, तब क्या करेंगे, कम्यूटेड पेंशन इनटू 100% कम्यूटेड परसेंटेज लिखा हुआ है, उसने अपनी परसेंटेज को 60% जो है वो कम्यूट करा लिया। अब 60% अगर वो कम्यूट करा लिया तो क्या करा जाएगा, 100/60 कर दिया जाएगा, मतलब परसेंटेज को हम लोग नीचे ले आएंगे, ये कहलाएगा हमारा कम्यूटेड परसेंटेज। तो इस तरीके से हम लोग टोटल पेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, देखिए इस एग्जांपल को, कि शोभित रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 31 मार्च 2018 एंड स्टार्ट गेटिंग पेंशन ऑफ 6000 मंथली। ऑन 1/4/2019 ही कम्यूट 1/4 ऑफ हिज पेंशन एंड रिसीव 90,000 रुपीज, कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंशन इफ ही नॉट रिसीव्ड ग्रेजुटी। तो देखिए, पहली बात तो ये नॉट रिसीव ग्रेजुटी है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है, एक तो हमें ये मालूम पड़ गया। अब इसमें कितनी अनकम्यूटेड होगी, तो ये देखिए, ये होगी हमारी अनकम्यूटेड, और ये जो होगी 90,000 रुपीज जो होंगे ये होंगे हमारे कम्यूटेड। अब देखिए क्या करा जाएगा, 31/3/2018 से अब क्या है, कोई रिटायर हो गया और उसकी पेंशन जो है वो मिलने लगी है उसको, तो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है दोस्तों, यहाँ पर होगा 18/1/1, अरे ये सही लिखा हुआ था, हाँ देखिए 1/4/18 से लेकर 1/1/19 तक, मतलब ये जो 9 महीने उसको कितनी पेंशन मिली है, उसको 9 महीने मिली है 54,000। कैसे, 6,000 × 9 कर देंगे तो आ जाएगा 9 मंथ के लिए कितना आ जाएगा, 9 मंथ जो है ये उसको मिलेगी 54,000 रुपये। अब 1/1/2019 से लेकर 31/3/2019 तक उसको कितनी पेंशन मिलेगी, तो देखिए टोटल पेंशन उसको कितनी मिल रही थी, 6,000 मिल रही थी, 6,000 ठीक, 6,000 का उसने कितना कम्यूट करा लिया, 1/4 कम्यूट करा लिया, मतलब उसको मिलने लगे होंगे अब 1500 रुपये उसने कम्यूट करा लिए। अब 1500 कम्यूट करा लिए तो मतलब बेस्ट बाकी कितने बचे इसके, तो देखिए बाकी अनकम्यूटेड पोर्शन कितना बचा, अनकम्यूटेड पोर्शन बच रहा है इसका 4500 रुपये जो बचा अनकम्यूटेड पेंशन बची, 4500 इंटू
1/1/2019 से लेकर 31/3/2019 तक कितने महीने हो रहे हैं? तो 3 महीने हो रहे हैं। 3 महीने की पेंशन कितनी निकल के आ गई? 13,500। तो ये 54,000 आई 9 महीने की, और बाकी 4,500 के हिसाब से 3 महीने की पेंशन आ गई 13,500 रुपये। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? कम्यूटेड पेंशन निकालना है। कम्यूटेड पेंशन कैसे निकालेंगे? उससे पहले टोटल पेंशन निकालनी पड़ेगी। टोटल पेंशन का फॉर्मूला क्या था? कम्यूटेड पेंशन इंटू 1/ कम्यूटेड फ्रैक्शन। कम्यूटेड पेंशन थी 90,000 इंटू 1/1/4 करेंगे तो ये 4/1 हो जाएगा और 3,60,000 रुपये हमारी टोटल पेंशन आ जाएगी। अब हमने देखा है कि ग्रेजुटी नहीं रिसीव करता है अगर एम्प्लॉई, तो क्या करना होगा? 1/2 ऑफ टोटल पेंशन एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो टोटल कम्यूटेड पेंशन कितनी होगी? 3,60,000 इंटू 1/2 इक्वल टू 1,00,000। ये कम्यूटेड पेंशन नहीं होगी, ये होगी 1,60,000 रुपये। ये जो होगा हमारा एग्जम्प्ट अमाउंट हो जाएगा। अब ये एग्जम्प्ट अमाउंट जो 1,80,000 हो जाएगा तो टैक्सेबल कितना होगा? 90,000 माइनस 1,80,000 करेंगे तो नील आ जाएगा, क्योंकि 90,000 कम है और एग्जम्प्ट अमाउंट हमको ज़्यादा मिल रहा है। तो जो कम्यूटेड पेंशन आएगी वो हमारी नील हो जाएगी। अब क्या करा जाएगा? टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? 54,000 प्लस 13,000, मतलब टोटल जो अनकम्यूटेड पेंशन निकल के आएगी वही टैक्सेबल होगी और जो होगी हमारी 67,500। तो इस तरीके से हम लोग पेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये थे पेंशन से रिगार्डिंग आपके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस।